कुल्लू कांग्रेस की एक बैठक सोमवार को आयोजित हुई। इसमें स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि आज जहां पूरी दुनिया के लोग कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा के नेता इन नियमों को मजाक बना रहे हैं। इसका परिणाम ये है कि आज प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव भाजपा नेता ही आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला परिषद स्तर पर कांग्रेस के द्वारा समितियों का गठन किया गया है, जो पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों का चयन करेंगी। अपने संगठन के लिए कि लोगों की आस्था हमारे संगठन के प्रति बढ़ती जा रही है, और खासतौर पर क्योंकि ये कोरोना का वक्त है और कोरोना के वक्त में हमारे संगठन का क्या इसमें योगदान होना चाहिए। पहले भी हमारे संगठन ने बहुत अच्छा काम किया कोरोना काल में, लेकिन अब स्थानीय समस्याओं को देखते हुए यहाँ पे जिस प्रकार से इसका संक्रमण फैलता ही जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इस बात को बड़ी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और खास उनके अपने ही लोग संक्रमण के चपेट में आते जा रहे हैं। और मजदूरों को लाने की जो पॉलिसी थी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे खासतौर पे जो बाहरी मजदूर आ रहे हैं उनके साथ संक्रमण भी आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, ये हिमाचल में सरकार बैठी है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से क्यों इतनी वो टेस्टिंग किट्स नहीं ले पा रही है कि कम से कम बॉर्डर पे ही उनका जो टेस्टिंग की जाए, क्यों उनको प्रदेश के अंदर लाकर अंदर आकर क्वारंटीन होना पड़ रहा है। बॉर्डर पे टेस्टिंग कीजिए, जो जिनका जो टेस्ट इन्होंने स्वारघाट में रखी है, आप वहाँ पे कहीं पे गड़ा मोड़ा में रखिए या परवाणु में रखिए, या आप उनको डमटाल में किस तरफ भी रखिए, लेकिन लाने से पहले उन्हें कम से कम उनके टेस्ट होने चाहिए। और ऐसी बातों पे हमने आज यहाँ पे, क्योंकि आने वाले पंचायती इलेक्शंस भी है, तो हमने पंचायती इलेक्शंस पे भी चर्चा हुई है कि किस प्रकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इलेक्शन से भागना चाहती है, इन्हें मालूम है कि इन्हें इन इलेक्शंस में मुंह की खानी पड़ेगी। जो एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो लोगों का रोष है, जो कोरोना को फैलाने में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और जिस प्रकार महंगाई बढ़ाई है, और जिस प्रकार वो अपने प्रशासन पे कोई लगाम नहीं रख पाए हैं, तो वो इन पंचायती इलेक्शनों से भागना चाहते हैं। लेकिन मुझे इस बात की आज मैं आश्वस्त करवाना चाहता हूँ कि हमारा संगठन बूथ स्तर से, जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर से, प्रदेश स्तर तक ये इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयारी में है, और इसी तैयारी में हम आगे बढ़ते हुए भी बूथ लेवल तक जाएंगे। और हमने समितियां बना दी है हर एक जिला परिषद वार्ड पे, क्योंकि एक विधायक का खुद इसमें घुसना ठीक नहीं होगा इन इलेक्शंस में, पर ये समितियां देखेगी कि कौन से हमारे सही कैंडिडेट्स हैं जो जिला परिषद के लिए हैं, पंचायत समिति के लिए, और समन्वय बिठाने की कोशिश की जाएगी कि कम से कम एक ही कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति एक पद के लिए लड़े, इसके ऊपर यहाँ पे मंथन किया जा रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से शालिनी राय भारद्वाज के साथ सुशांत शर्मा की रिपोर्ट। हैप्पी फैशन मॉल नेर चौक मंडी, भारी डिस्काउंट पर शुरू हो रही है सेल। 1 अगस्त से 15 सितंबर तक कुर्ती एक के साथ एक फ्री, कोट पैंट शेरवानी पर 30% डिस्काउंट, सूट साड़ी गाउन ड्रेसेस अनस्टिच सूटिंग और शर्टिंग पर 50% डिस्काउंट, जे हैमस्टर ट्राउजर के साथ शर्ट फ्री, नुमैरो रेमंड कलर प्लस यूएस पोलो पार्क एवेन्यू डब्ल्यू और ऑरिया पर 30% डिस्काउंट। तो जल्दी आइए हैप्पी फैशन मॉल नेर चौक मंडी।